तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे फेवरेट एक्टिविटीज क्या हैं। तो हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है मेरा फेवरेट फूड क्या है? आपको पता है गाइस, मैं हमना और दूसरा मेरी मम्मी बोलती है कि, और उसमें आपको पता है मेरी पिक्चर भी बनी हुई थी, मैं बहुत खुश थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जरफ्रास क्यानी हूँ और आज मैं आपको अपने बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि सम फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हारी बर्थडे कब होती है, और हाँ, तो इसलिए मैं आपसे बातें करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको नाम बताऊंगी, आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा नाम क्या है, बट मैं आपको बताऊंगी, मेरे फ्रेंड्स मुझे जमशराज बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, तो इसलिए। और मेरी एज, तो मेरी एज 7 है, और नेक्स्ट ईयर जब 2024 आएगा मैं 8 हो जाऊंगी, 8 ईयर्स ओल्ड। और नेक्स्ट मेरी बर्थडे, तो मेरी बर्थडे मार्च 16 को होती है हर साल, क्योंकि मैं मार्च 16 को बोर्न हुई थी। और मैं, आपको पता है गाइस, मैं हमना चॉकलेट केक मंगवाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और आपको पता है मुझे अलग अलग के गिफ्ट मिलते हैं, जैसे टॉयज, बुक्स, और हाँ, और पजल्स, ये बहुत मजेदार है। तो इसलिए मुझे एक मॉल से टॉयज मिल करानी चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको पता है एक साल मेरी दो बर्थडे होती हैं, एक मैं अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, और दूसरा मैं अपनी फैमिली के साथ करती हूँ। और जब मार्च 2023 था, तो आपको पता है मैंने प्रिंसेस एल्सा का केक बनाया था, वो भी चॉकलेट। और आपको पता है सबसे एक्साइटिंग थिंग, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट दिया, जैसे टॉयज, बुक्स, पजल्स, और हाँ, बहुत मजा आया। और मुझे फैमिली भी गिफ्ट देती है, वो भी बहुत मजेदार। और फ्रेंड्स, आपको पता है 16 मार्च 2023 को मैंने प्रिंसेस एल्सा का केक बनाया था, वो भी बहुत मजेदार, वो चॉकलेट केक था, वो सबसे अच्छा था। तो इसलिए, और उसमें आपको पता है मेरी पिक्चर भी बनी हुई थी, मैं बहुत खुश थी। और वो पूरा पिंक था, क्योंकि मुझे ब्लू नहीं पसंद, तो इसलिए। तो हाँ, आपको पता है फ्रेंड्स, जो केक मैंने अपनी फैमिली के साथ बनाया था, वो जी लैटर वाला केक था, क्योंकि मेरा नाम जी से स्टार्ट होता है, और वो भी चॉकलेट केक था, वो सबसे अच्छा था, एल्सा से भी अच्छा, और बहुत यमी और टेस्टी था। A few moments later. तो फ्रेंड्स, आपको पता है मेरा फेवरेट फूड क्या है? खाना आपकी एनर्जी मिलती है, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे पसंद है, आपको पता है, कैप्सी। कैप्सी तो बहुत डिलिशियस होता है, तो इसलिए। और मुझे नूडल्स पसंद है, वो तो बहुत ही अच्छे होते हैं। और दूसरा, मेरी मम्मी बोलती है कि हमको राइस खानी चाहते हैं, तो इसलिए वो तो बहुत ही डिलिशियस होते हैं। तो हाँ, अब आपको पता है मेरी फेवरेट फूड डिजर्ट क्या है? वो है डोनट और पेस्ट्रीज। मुझे तो ज्यादा पेस्ट्रीज पसंद है, और मुझे चॉकलेट केक्स पसंद है, वो तो बहुत ही अच्छी होते हैं। और उसके साथ मुझे कुकीज भी पसंद है, और हाँ, मुझे कैंडी भी पसंद है।
आपको पता है मैं तो किसी भूल गई, अभी याद नहीं आ रहा हूँ। याद आ गया, पिज्जा और आइसक्रीम, वो तो बहुत ही डिलीशियस होते हैं। और सेकंड, हमको स्कूल में लंच मिलता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। समटाइम्स हमको फ्राइज और चिकन बर्गर और उसके साथ केचप और डिजर्ट में हमको ब्राउनी मिलती है, ब्राउनीज। और कभी बार हमको चावल मिलते हैं और वो बहुत डिलीशियस होते हैं। A few moments later. तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि मेरे फेवरेट एक्टिविटीज क्या हैं। तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले मेरा फेवरेट हॉबी है, आपको पता है, स्विमिंग। मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं बहुत एक्साइटेड भी होती हूँ जब मैं स्विमिंग करती हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। और सेकंड है, आपको पता है, बुक रीडिंग। मैं स्टोरीज रीडना बहुत पसंद करती हूँ और स्पेशली मैं रात के टाइम में करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है दूसरा क्या है, मुझे मॉल जाना पसंद होता है। वहाँ पे अलग अलग शॉप्स होते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्ले प्लेस होते हैं, वहाँ पे अलग अलग रेस्टोरेंट्स होते हैं और कैफेस होते हैं। और दूसरा है पार्क जाना, मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं भागती हूँ और पता है मैं स्लाइड लेती हूँ और मैं स्विंग भी लेती हूँ और मुझे बहुत पसंद है पार्क जाना। और उसके बाद मुझे पसंद है ट्रैवल करना, अलग अलग वेदर, अलग अलग लोग, डिफरेंट होटल्स, मॉल, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और वहाँ पे प्ले प्लेस भी होते हैं, वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और सच्ची बताओ, वहाँ पे बहुत एक्साइटिंग होती है। तो फ्रेंड्स, दूसरा है, मुझे आपको पता है, ट्रैवल करना, वाओ। और आपको पता है कंट्रीज या सिटीज जो भी हो, आपको पता है वहाँ पे बहुत मज़ा आता है, डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट शॉप, डिफरेंट डिफरेंट होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल्स, वहाँ पे बहुत मज़ा आता है सच्ची में। और वहाँ पे वॉइस टाइटिंग होती है, मुझे बहुत पसंद है। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा फेवरेट कलर क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है पिंक। पिंक मेरा बहुत अच्छा होता है, पिंक जैसे कॉटन कैंडीज। और हाँ, और सेकंड है पर्पल। पर्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है और प्यारा भी, और ये मेरे फेवरेट कलर्स हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आपके साथ बातें करके बहुत मज़ा आया और इस वीडियो को मैं अब एंड करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू एक्टिविटी करेंगे, एक न्यू टाइटल में। तो बाय बाय।